देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज और मैं हूँ आपकी। सावन के पहले सोमवार के दिन आज सुबह से ही जगतदेव तालाब मंदिर परिसर में सिर्फ भक्तों की लगी लंबी कतारें। ना मास्क ना ही दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ऐसे में और देशों की तरह हमारे देश में भी कोरोना के डेल्टा रेंज बढ़ने का है बड़ा खतरा। पटना के आरकंडी चौकी मैहर में अनुविभागीय अधिकारी ने ली बैठक। मैहर माता रानी के दरबार में आने जाने वालों को किसी प्रकार की समस्या न हो और आसानी पूर्वक माता रानी के दर्शन हो सके। सतना से रौनक वर्मा की रिपोर्ट है। स्मार्ट सिटी सतना की रोड नगर निगम के ठीक सामने ही डायवर्जन रोड की हालत बद से हुई बदतर। सीएम हेल्पलाइन में इसके बारे में शिकायत की गई पर पिछले 2-3 सालों से खराब इस रोड की मरम्मत आज तक नहीं की गई। आए दिन यहां होते रहते हैं एक्सीडेंट। सतना सड़क मार्ग पर उद्धव धाम के सेमरिया से सतना जा रही यात्री बस पलटी। कई लोगों के हताहत होने की खबर। मौके पर कोटर थाना प्रभारी शैलेंद्र पटेल दल बल के साथ मौजूद। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां शारदा देवी मंदिर के पूर्व प्रधान पुजारी देवी प्रसाद महाराज के जीवन लीला पुस्तक का विमोचन सत्संग भवन में किया गया। गुरु के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। सतना से हमारे संवाददाता राहुल के साथ। पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत नादान गांव में दो पक्षों में हुआ विवाद। जमीनी विवाद का है मामला। दो लोग घायल। मैहर अस्पताल में चल रहा है इलाज। इस मामले को लेकर कोई भी नहीं कर रहा कार्रवाई। टिकुरिया टोला में रैमकी कंपनी के कचरा डंपिंग पॉइंट के पास बनाई गई अवैध तलैया में दो बच्चों के डूबने से हुई मौत। कोलगवा थाना क्षेत्र का है मामला। सतना सिटी कोतवाली पुलिस की गोद में पंजू सिंधी खिला रहा है सट्टा। पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजू सिंधी सिटी कोतवाली के पीछे रामना टोला में खुलेआम सट्टा खिला रहा है और बड़ी दिलेरी से बोलता है कि थाने में हिस्सा देता हूं इसलिए खिला रहा हूं सट्टा। मुझे किसी का डर नहीं। अब देखना यह होगा कि कप्तान साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। विधानसभा के ग्राम पंचायत हड़हा में खराब सड़क के विरोध में गांव के युवा समाज सेवी ने सड़क में ही टमाटर मिर्च एवं बैगन की खेती कर डाली। चेतावनी भी दी यदि सड़क नाली पानी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उपचुनाव का किया जाएगा बहिष्कार। पटना से संदीप वर्मा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य केंद्र घूडांग में कोरोना वायरस वैक्सीन का 430 लोगों का हुआ टीकाकरण। मुख्य रूप से लोग रहे सम्मिलित। ग्वालियर से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कैमरामैन हिमांशु सक्सेना के साथ। पीताम्बरा पीठ दर्शन के लिए जा रहे ग्वालियर के एक परिवार का जौरासी घाटी पर हुआ कार एक्सीडेंट। 5 घायल 2 लोगों की हालत गंभीर। ग्वालियर से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कैमरामैन हिमांशु सक्सेना के साथ। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ किया था प्रदर्शन। दैनिक भास्कर एवं भारत समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित हो रही सच्ची तस्वीरों को देखकर बीजेपी सरकार उन पर इनकम टैक्स की रेट करा रही है जिससे पत्रकारों के हित में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष खान ने कहा उसे तुरंत रोका जाए अन्यथा आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल करेगी और चक्का जाम करेगी जिसका जिम्मा शासन प्रशासन का होगा। इससे ये सब हो चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर रानी मोदी जी हिटलर साहिब चाहते। नमस्कार, मैं हूँ सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।